गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, स्कूल ऑफ एजुकेशन, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी से। आज हम जो हैं बौद्धिक काल के ऊपर जो है चर्चा करेंगे आप लोगों से। पिछले हमने कक्षा में जो है वैदिक काल के ऊपर चर्चा की थी, तो वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि भारतीय संस्कृति संसार की जो है सबसे प्राचीन संस्कृति रही है। जहाँ भारतीय संस्कृति आज भी विद्यमान है, वहाँ पर दूसरी संस्कृति जो है नष्ट होने के कगार पर है या पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी अपने उस मूल रूप को बनाए हुए हैं जो हमको संस्कारवान बनाती है। लेकिन भारतीय संस्कृति पर जो सबसे अधिक नुकसान हुआ है वो आर्य जाति के आने के बाद हुआ है। भारत में यूरोप में पश्चिमी देशों से आए आर्यों ने निग्रो व द्रविड़ों के साथ धोखा करके उनकी सभ्यता व संस्कृति को न केवल नष्ट किया बल्कि उन्हें अपना दास बनाया, उनको अपना गुलाम बनाया और भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से अपने रंग में रंग लिया। यद्यपि भारतीय संस्कृति कर्म आधारित संस्कृति थी, यहाँ पर कर्म के आधार पर व्यक्ति को कार्य विभाजन किया जाता था, लेकिन कुछ धूर्त जाति के लोगों ने इस कर्म आधारित व्यवस्था को जन्म आधारित व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो व्यक्ति जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस वर्ण में पैदा हो गया, वो व्यक्ति सिर्फ उसी वर्ण का हो गया। तो इससे व्यक्ति को क्या हुआ कि हमारा कर्म प्रभावित हुआ, हम कर्म नहीं करने लगे। कुछ वर्ग सिर्फ अपने जन्म के आधार पर उस उच्च वर्ग के हो गए, कुछ जन्म के आधार पर निम्न वर्ग के हो गए, लेकिन उनके कर्म को नहीं देखा गया। और कुछ लोगों पर जो है कुछ वर्ण पर, कुछ जाति पर कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे समाज जो है आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर हुआ। जैसे भारतीय शिक्षा, वैदिक काल में भारतीय शिक्षा पर ब्राह्मण वर्ग का एक छत्र साम्राज्य रहा है और उसमें शूद्र वर्ण को पूर्ण रूप से शिक्षा से वंचित कर दिया गया, नारी को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, दलित वर्ग की नारी को पूर्ण रूप से शिक्षा से वंचित किया। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये रहा है कि जो दलित वर्ग था, जो शूद्र वर्ग था, वे सरकारी कार्य व अन्य व्यवसाय से वंचित हो गए। देखिए, जब कोई विचारधारा अति को पार कर देती है तो दूसरी विचारधारा निश्चित रूप से जन्म लेती है। जैसे आपने सुना होगा, वाद विवाद और प्रतिवाद, उसके बाद प्रतिवाद के बाद फिर वाद विवाद, इस तरीके से प्रक्रिया टू प्रक्रिया चलती रहती है और एक नई चीज, एक नई व्यवस्था जो है हमको देखने को मिलती है। वैसा ही यहाँ पर हुआ, जो वैदिक काल की अच्छाई थी वो आज भी विद्यमान है, लेकिन जो कमियाँ थी, जो गलतियाँ वैदिक काल में हुई, जो आर्य जाति ने किया, वो उसमें सुधार करते हुए बौद्ध व्यवस्था जो है आरंभ हुई। और उत्तर वैदिक काल में कठोर वर्ण व्यवस्था कर्मकांड की अति हुई तो इसका प्रोत्साहन प्रारंभ हुआ। ईसापुर 563 ईस्वी में भारत की पुण्य भूमि पर महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ। यद्यपि वे राजघराने में पैदा हुए थे, उन्हें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, परंतु लोगों के सांसारिक दुखों की अनुभूति उन्होंने की। वे यद्यपि अपने महल से बाहर नहीं जाते थे, लेकिन जब वो बाहर महल से गए तो उन्होंने लोगों के दुख को देखा, दुखों को समझा और जाना कि हमारे समाज में जो हम कितने लोग जो हैं दुखी हैं और इस दुख का क्या कारण है और समाज क्यों दुखी है। यद्यपि हमारा राज्य संपन्न है, उसके बावजूद भी मैं दीनहीन गरीब ऐसा ही लोगों को देख रहा हूँ। तो उनके मन में एक उल्लासा हो गई कि मैं इन कारणों को जानूंगा और उन्होंने वो राजपाट छोड़ करके वो इस धार्मिक कार्यों में और पूजा की तरफ और कर्म आधारित व्यवस्था की तरफ वो उद्भूत हुए। उन्होंने दुखों से छुटकारा पाने के उपाय खोजने के लिए तपस्या की। कर्म कांड प्रधान वैदिक धर्म के स्थान पर उन्होंने करुणा प्रधान मानवतावादी बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने कहा कि समाज में सभी मानव समान हैं, किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव 500 ईसा से 1200 ईस्वी तक रहा है। महात्मा बुद्ध ने यह अपना सर्वो
धर्म उपदेश सर्वप्रथम वाराणसी से लगभग 8 किलोमीटर दूर सारनाथ स्थान पर आरंभ किया था और देश के विभिन्न भागों में बौद्ध मठों एवं विहारों का निर्माण उन्होंने करवाया। शिक्षा सभी के लिए खोली, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग का हो, चाहे क्षत्रिय वर्ग का हो, चाहे वो वैश्य वर्ग का हो, चाहे शूद्र वर्ग का हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी के लिए भी उन्होंने शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। अर्थात उनकी जो बौद्ध मठ होते थे वहाँ पर सभी वर्ग के लोगों के शिक्षा के द्वार खुले, जिससे एक नई क्रांति, एक नई जागृति, एक नयापन जो है हम समाज को देखने को मिला और लोगों में आज़ादी महसूस की। उन्होंने अपने अधिकारों को जाना, अपने मान सम्मान को उन्होंने जाना। यद्यपि प्रारंभ में तो ये बौद्ध मठ एवं बिहार महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र के रूप में विकसित हुए, ये जन शिक्षा की व्यवस्था भी करने लगे। वैदिक धर्म के कर्ण, अभी हमने जैसे बात किया था, वैदिक धर्म की कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रतिकूल बौद्ध धर्म समानता, प्रेम और करुणा पर आधारित थी। अब बौद्ध शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी? प्राथमिक शिक्षा कहती थी वहां पर। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा के द्वारा, जैसे अभी हमने आपसे बात की, सभी वर्गों के लिए, चाहे वो वंचित वर्ग हो, चाहे वो शोषित वर्ग हो, शोषक वर्ग हो, सभी के लिए खुली। विशेष रूप से वंचित वर्ग जो है अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए बड़े प्रयासरत रहे, बड़े लालयत दिखे और उन्हें लगा कि एक नए युग की, एक नया युग जो है हमको, हमारे लिए आ गया है, एक नया समाज जो है पैदा होगा। और उन्होंने सभी ने अपने बच्चों को जो है बौद्ध मठों में, बिहारों में शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाया। शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों एवं बिहारों में की जाती थी। यह 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक जो है चलती थी। प्रवेश के समय बच्चों का एक संस्कार होता था जिसे हम पवज्जा संस्कार कहते हैं। पवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना, अर्थात बच्चा को घर परिवार से छोड़कर मठ अथवा बिहार में जब हम ले जाते थे तो वहाँ पर जो है जो शिक्षक होता था उसको वो पवज्जा संस्कार उसको कराया जाता था। उसमें संस्कार में सर्वप्रथम हम बच्चे का जो है सिर को मंडाया जाता था, उसके घर के वस्त्र उतारकर पीले वस्त्र पहनाए जाते थे, हाथ में दंड उसको दिया जाता था और उसको बहुत से मठ से संबंधित कुछ शिक्षाएं जो हैं दी जाती थी। उसके बच्चा जो है उस शिक्षक के सम्मुख जो है पालथी मारकर बैठता था, उनके चरण स्पर्श करता था। भिक्षु उससे निम्नलिखित 3 प्रणों को उच्च स्वर में उच्चारित करता। इन 3 प्रणों को शरणतः वो बच्चा कहता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। और इसके बाद शिष्य को 10 उपदेश दिया जाता था जिसे हम 10 सिक्का पद्मी कहते थे। अब ये 10 उपदेश क्या थे? ये 10 उपदेश जो थे वो बहुत काल में भी जो है प्रचलित थे और आज भी इनका ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। यदि व्यक्ति इनको मतलब अपनाए तो हमको लगता है कि समाज जो है एक सही दिशा में, एक सही मार्ग की ओर अग्रसर होगा। अब सबसे पहले जैसे अहिंसा का पालन करना, अहिंसा आखिर है क्या? इसे कहते हैं हिंसा न करना, दूसरे को कष्ट न पहुंचाना, दूसरों की निंदा न करना, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार न करना, अर्थात हमारी कार्यकलाप से कोई ऐसा कार्य न हो जाए जो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाए और हम उसके प्रति हिंसा करें। तो हमको सबसे पहले जो है अहिंसा का पालन करना बहुत धर्म में सिखाया। नंबर 2 उन्होंने बताया कि शुद्ध आचरण करना, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में, अपने कर्मों में हमको ऐसा आचरण करना है जिससे दूसरे को किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार की हानि ना हो। ऐसे आचरण, ऐसे व्यवहार की कल्पना महात्मा बुद्ध ने समाज, उस समय के समाज से की थी, जो आज भी जो है बड़ी प्रेरणादायक है। तीसरा था सत्य बोलना। अब सत्य बोलना ये प्रत्येक समाज में ये विशेषता रही है कि व्यक्ति हमेशा सत्य बोले और आज भी सत्यवादी या सत्य लोग बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है। समाज तभी आगे बढ़ता है तब समाज में अच्छे व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति
समाज के अंदर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, लेकिन आज भी अच्छे लोगों की, सत्य लोगों बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या असत्य बोलने वालों की संख्या से बहुत अधिक है। इसीलिए हमारा समाज जो है विकास की ओर उन्मुख हो रहा है। सत्य आहार लेना, सत्य आहार से मतलब है ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, जो हमारे स्वास्थ्य को परिपूर्ण बनाए, जो हमारे वातावरण के अनुकूल हो। हमको ऐसा भोजन नहीं ग्रहण करना जिससे हमारा शरीर को हानि हो सकती है, दूसरे जीव जंतु को हानि हो सकती है। तो हमको शुद्ध शाकाहारी भोजन जो है ग्रहण करना चाहिए। मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना। बुद्ध जी ने एक और ये विशेषता बताई है कि कभी भी मादक वस्तुओं का प्रयोग न करें। इससे सबसे बड़ा नुकसान तो व्यक्ति को स्वयं को होता है, दूसरा उसके परिवार को होता है, और उसकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं बाधक होती हैं। तो मादक वस्तु के प्रयोग से जो है स्वयं को नुकसान होता है, समाज को नुकसान होता है, उसका परिवार पीछे की ओर को जाता है, और जब परिवार पीछे की ओर को जाएगा, समाज पीछे की ओर को जाएगा, तो निश्चित रूप से राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता। यदि हम एक छोटी सी बुराई को छोड़ देते हैं तो हम समाज को बहुत आगे ले जाते हैं, समाज को परिवर्तित कर देते हैं, और हमारा परिवार, हमारा समाज जो है खुशहाली की ओर उन्मुख हो जाता है। तो हमको ऐसे कार्य करना है, ऐसे कर्म करना है जिससे समाज का, देश का, स्वयं का विकास हो। इसी में जो है परनिंदा न करना। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति अब बहुत अधिक समय दूसरे की निंदा करने में व्यतीत कर देता है। इससे कहीं ना कहीं हमारा स्वयं का ही नुकसान होता है, क्योंकि निंदा एक बुराई है और बुराई को हमको छोड़ना है, अच्छाई को हमको ग्रहण करना है। दूसरे की निंदा करने से दूसरे व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वो आपसे यूं ही नाराज हो जाता है। इसलिए पर निंदा से व्यक्ति को बचना चाहिए। दूसरा, महात्मा बुद्ध ने कहा है श्रृंगार की वस्तु का प्रयोग नहीं करना। जब बच्चा उस समय विद्यालय में प्रवेश करता था तो सबसे पहले उसको यही शिक्षा दी जाती थी कि वो कोई ऐसी सुगंधित वस्तु, सौंदर्यकरण, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि मठ में रहते हुए साधारण जीवन जीते हुए, साधारण वस्त्र पहनते हुए, पीले वस्त्र धारण करते हुए, भिक्षा मांगकर भोजन प्राप्त करते हुए अपना जीवन, अपनी शिक्षा बौद्ध मठ में जो है वो प्राप्त करेगा। नृत्य एवं संगीत से दूर रहना। महात्मा बुद्ध ने अपने जो 10 उपदेश दिए उसमें नृत्य एवं संगीत से दूर रहने के लिए उन्होंने सलाह दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम समाज में देखते हैं कि नृत्य एवं संगीत से करते समय व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, वो सांसारिक रंगों में रंग जाता है। लेकिन ये सारे प्रतिबंध सिर्फ एक छात्र के लिए लगाए गए थे, न कि समाज के लिए, क्योंकि यदि वो व्यक्ति इन सब चीजों से दूर रहेगा तो उसका ध्यान सिर्फ शिक्षा की ओर रहेगा। और उस समय हमारा एक ही लक्ष्य था कि बच्चे को श्रेष्ठ बनाना, उस शिक्षा प्रदान करना, और जो सामाजिक बुराइयां से उनको बच्चे को बचाए रखना। पराई वस्तु ग्रहण न करना। अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी वस्तु यदि हमको मुफ्त मिल जाती है तुरंत हम उस और दौड़ने लग जाते हैं, लालायित हो जाते हैं, लेकिन कभी भी पराई वस्तु या दूसरे की वस्तु हो उसको नहीं अपनाना चाहिए। पराई वस्तु प्राप्त करने से दूसरे व्यक्ति को तो हानि होती है, हमको भी कोई बहुत लाभ नहीं था। तो महात्मा बुद्ध ने ये 10 उपदेश हमको दिए थे जो आज भी मान्य हैं और बौद्ध काल में भी मान्य थे, और उसके बाद जो युग चला आया परंपरागत रूप से इस 10 उपदेशों से हम लाभान्वित होते रहे हैं। बच्चा इन 10 उपदेशों का प्रण लेता था, उसके बाद मठ एवं विहार में उसको प्रवेश दिया जाता था, और जिसे उसे श्रवण और सामनेर कहा जाता था। इसी के बाद जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद बच्चे को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो उस शिक्षा में प्रवेश परीक्षा जो है संपन्न होती थी, योग्य छात्रों को ही उसमें प्रवेश दिया जाता। जैसे आधुनिक समय में भी
हम यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, बीएससी, एमएससी या टेक्नोलॉजी की, इंजीनियर की या एमएड की, हम लोग प्रवेश परीक्षा की जाती है, उसमें सिर्फ योग्य छात्रों का ही प्रवेश होता है, न कि उन सभी छात्रों का जो उस प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं। उसके आधार पर हम साक्षात्कार भी लेते हैं। साक्षात्कार में कुछ बच्चों को फिर स्क्रीनिंग करते हैं, तो जो श्रेष्ठ बच्चा होता है, जो बुद्धिमान बच्चा होता है, उसी को हम जो है अपने यहाँ प्रवेश देते हैं। उस बौद्ध काल में भी इसी प्रकार की जो है प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती थी, और बुद्धिमान और श्रेष्ठ बच्चों को ही उस शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। और शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु पर शुरू होती थी, 20 से 25 वर्ष की आयु तक चलती थी। इसके बाद ये उपसंपदा संस्कार एवं भिक्षु शिक्षा, बौद्ध काल में यदि उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र श्रमण अथवा सामने बन जाते थे, कुछ छात्र गृहस्थ जीवन की ओर उन्मुख हो जाते थे, और कुछ भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे। इस प्रकार जो है छात्रों का अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जो है वो आगे स्टेप लेते थे कि हमको भिक्षु बनना है, हमको शिक्षक बनना है, हमको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। क्योंकि सभी व्यक्ति तो शिक्षक नहीं बन सकते, सभी व्यक्ति सामने नहीं बन सकते, सभी व्यक्ति अध्यापक नहीं बन सकते। हर व्यक्ति का रुचि झुकाव अलग अलग होता है। हम कहें कि सभी व्यक्ति उस समय बौद्ध मठ में पढ़ने वाले सभी व्यक्ति शिक्षक बन जाएं, वो सिर्फ शिक्षा रहें और ब्रह्मचर्य का पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा? तो गृहस्थ जीवन में भी उस समय प्रवेश होता था, और ये अच्छाई थी न कि बुराई। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र श्रवण को 10 प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त 8 प्रतिज्ञाएं और लेनी पड़ती थी, तब उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। इसे उपसंपदा संस्कार कहते थे। जिसे हमने अभी बताया, पवज्जा संस्कार पहले होता था, और उच्च शिक्षा में उपसंपदा संस्कार संपन्न किया जाता था, और ये संस्कार 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में संपन्न किया जाता था। 10 देश विदेश के या श्रेष्ठ जो भिक्षुक होते थे उनके सामने छात्र जो है उपस्थित होता था। सर्वप्रथम श्रवण भिक्षु का वेश, हाथ में कमंडल और कंधे पर चीर धारण करते हुए वहां पर अपने अध्यापक के सामने, उपाध्याय के सामने जो है उपस्थित होता था, उन्हें प्रणाम करता था, उनको पैर छूता था, और आज्ञा मिलने पर हाथ जोड़कर वो बैठ जाता था। वहां पर उपस्थित जो भिक्षु होते थे वो उनका उसका परिचय कराते थे, जो अन्य शिक्षक होते थे उनका परिचय किया जाता था, और उसके बाद उसमें प्रश्न पूछे जाते थे। प्रश्नों को सफलता पूर्वक देने के बाद उसका चयन किया जाता था। जैसे कि आज भी आधुनिक समय में, अभी हमने बात बताया कि साक्षात्कार के आधार पर बच्चे का प्रवेश दिया जाता, उसी प्रकार भी प्रश्न पूछना एक साक्षात्कार प्रक्रिया है। यदि आज हम उसको साक्षात्कार कह सकते हैं, उस समय प्रश्न पूछना, बच्चे की बुद्धि का पता लगाना, जैसे सब जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। और परीक्षा में शामिल होने पर जो है छात्र से 8 प्रतिज्ञा कराते थे। 8 प्रतिज्ञा जैसे वृक्ष के नीचे निवास करना, उसको सिर्फ आया, चाहे वो राजा का बच्चा हो, चाहे वो क्षत्रिय का परिवार हो, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, उसके लिए सबसे बड़ा जो व्यवस्था होती थी, जो नियम होता था, वो वृक्ष के नीचे निवास करना उसको होता था। यही नहीं कि उसको आलिशान भवन में, आलिशान कमरों में जो है प्रवेश, जैसे कि आधुनिक समय में आज छात्रावास बने हैं, छात्र जो है छात्र को पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और उन सुविधाओं के आधार पर छात्र जो है शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो उस समय छात्रों को जो शिक्षा प्रदान की थी पेड़ के नीचे दी जाती थी। भिक्षा मांगकर भिक्षा पात्र में भोजन करता करना, यदि वैदिक काल में भिक्षा मांगकर के छात्र लाते थे, और यहाँ पर भी जो है जो छात्रों को भिक्षा मांगकर लाना होता था, और वो जो भोजन पात्र होता था, जैसे आधुनिक समय में हम देखते हैं, उसी में वो भिक्षा मांगते थे, उसी में ही भोजन करते थे अलग, और उतना ही भोजन वो प्राप्त करते थे जितना कि एक समय के लिए पूर्ण होता। भिक्षा द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्र पहनना, जबकि उस समय आर्थिक तंगी थी, लेकिन जो राजा सामंत और किसान, जो बड़े किसान होते थे, उनके पास धन की कमी नहीं, लेकिन समानता के लिए
बड़े और छोटे का भेदभाव मिटाने के लिए वहाँ पर भिक्षा द्वारा साधारण वस्त्र जो प्राप्त होते थे, वही बच्चा जो है, वही छात्र जो है, उसको पहनता था और शिक्षा प्राप्त करता था। चोरी न करना, चोरी एक अपराध है, ये बौद्ध काल में भी रहा, वैदिक काल में भी रहा, मुस्लिम काल में भी रहा, ब्रिटिश काल में भी रहा, और आधुनिक आज जो हमारा युग है इसमें भी हम चोरी न करने की सलाह देते हैं, अपराध न करने की सलाह देते हैं, लेकिन फिर भी न जाने हमारे समाज में जो है एक कोड के रूप में जो है जमा हुआ है, और आए दिन जो है समाज में चोरी होती है। तो ये बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है इन सब दुर्व्यसनों से जो है दूर रहे, और इसका बहुत प्रभाव पड़ता था। पूरे जीवन भर जो है ये जो शिक्षा प्राप्त वो मर्म मठ में प्राप्त करता था उसका पालन भी करता था। तो प्रयास यही होता था कि अपने बच्चों को बौद्ध मठ में जो है शिक्षा प्रदान की। हत्या न करना, उसको हत्या दूसरे की हत्या न करे, दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, ऐसी शिक्षा छात्र को प्रदान की। मैथुन न करना, छात्र के लिए सबसे बड़ा प्रतिबंध यह था कि वो मैथुन न करे, काम शिक्षा से वो दूर रहे, स्त्री से दूर रहे, ये उस समय पर जो है उसको शिक्षा प्रदान की जाती। अलौकिक शक्तियों का दावा न करना, छात्र से ये भी प्रतिज्ञा कराई जाती थी कि वो अलौकिक शक्ति का जो है दावा न करे। वो ना कहे कि मेरे पास जो है देवी की शक्ति है, मेरे पास शिव की शक्ति है, मेरे पास अन्य शक्ति है, तो ऐसी विचारधारा उसके मन में कभी ना आए। सिर्फ उसका उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना, और उस ज्ञान को समाज के लिए एक अच्छे कार्य के लिए, एक सही दिशा देने के लिए खर्च करना था। इन प्रतिज्ञाओं के बाद श्रमण को भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। ये शिक्षा 8 वर्ष तक चलती थी। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भिक्षु पूर्ण भिक्षु कहलाते थे। अध्यापन एवं धन शिक्षा के लिए योग्य माने जाते थे। इन कार्यों के लिए, संपादन के लिए में आजीवन अविवाहित भी रहना होता था, और संध्या के नियमों का कठोरता से पालन करता था। असमर्थता प्रकट करने पर भिक्षु संध्या से अलग हो सकते थे। अब बात करेंगे हम बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या रहे। इतनी बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श अति व्यापक है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि उस समय शिक्षा के द्वार सभी व्यक्तियों के लिए, सभी वर्ण के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी जाति के लिए खोल दिए गए थे। तो निश्चित रूप से वो शिक्षा व्यवस्था अति उत्तम रही होगी। इसमें सबसे बड़ा जो उद्देश्य रहा है मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना। बौद्ध धर्म मानव जाति विशेष की नहीं बल्कि मानव मात्र की संस्कृति के संरक्षण एवं विकास का पोषक रहा। बौद्ध मठों एवं विहारों में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ साथ अन्य धर्म दर्शनों, संस्कृति के अध्ययन की व्यवस्था इसमें रही है। उस काल में सैकड़ों विद्वान प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नवीन साहित्य के निर्माण कार्य में लगे थे। ये प्राचीन ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार करते थे, भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद करते थे, और इनके साथ विद्वान मौलिक साहित्य से करते थे। और उस समय साहित्य के संरक्षण के बड़े बड़े पुस्तकालयों का निर्माण किया गया। जैसे कि आधुनिक समय में हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जो है छात्रों के बैठने के लिए व्यवस्था है, किताबों के रखने के लिए बड़ी बड़ी शेल्फ उपलब्ध हैं, प्रत्येक विषय के अलग अलग पुस्तकालय हैं जहाँ पर छात्र आसानी से जो है अपनी पसंद की पुस्तक देख कर करके उससे नोट्स बना सकता है, उसको पढ़ सकता है, उसको ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन आधुनिक समय में तो एक इंटरनेट की व्यवस्था से जो है पूरा लाइब्रेरी उसके घर पर, उसके विश्वविद्यालय में उसको उपलब्ध हो जाती है। एक क्लिक करने के बाद उसको पूरी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी पुस्तकालय के महत्व को हम नकार नहीं सकते, पुस्तकों के महत्व को कम नहीं आका जा सकता, क्योंकि बिना पुस्तकों के हम वो पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस समय मानव संस्कृति के संरक्षण और विकास पर खूब बल दिया गया था। दूसरा बात करेंगे सामाजिक आचरण की शिक्षा। अभी जैसे बौद्ध धर्म में सामाजिक कल्याण की भावना का पक्षधर रहा है, इसके ऊपर अभी हमने काफ़ी आपसे चर्चा किया है।
वो व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना उस समय बहुत बलबलती थी, लेकिन बौद्ध धर्म के अंतर व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामाजिक भावना को बल मिला, सामाजिकता की भावना बलवती हुई, गुणों का विकास हुआ। और इस तरीके से जो है गरीब पर अत्याचार किया था, इससे सबसे अधिक बल करुणा पर और सबसे अधिक बल दया पर दिया गया। बिना करुणा भाव के मनुष्य एक दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता था। ईमानदारी से सोचे तो मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य स्वयं ही अधिक होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे के साथ धोखा कर सकते हैं, झूठ बोलते हैं और दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और ऐसा व्यक्ति स्वयं ही हानि पाता है। तो हमको ऐसा कोई कार्य अपने द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिससे दूसरे को नुकसान हो, बल्कि उसके विकास कार्य के लिए आगे काम हमको करना चाहिए। तीसरा जो उद्देश्य रहा है ज्ञान का विकास। उस समय जो है संसार में चारों ओर दुखों का कारण दुख थे। अब महात्मा बुद्ध ने जाना कि ये दुख क्यों है, इनके क्या कारण है। उन्होंने बताया कि अज्ञान अज्ञान के कारण जो है ये सारे दुख आज समाज में प्रतीत हैं। उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया, और उन्होंने कहा कि बिना शिक्षा के बिना ज्ञान के समाज का विकास संभव नहीं है। वैदिक काल में वेद ग्रंथों के ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना जाता है, परंतु बौद्ध धर्म एवं दर्शन में चार सत्यों का ही वर्णन किया गया है, और उनके आधार पर हम अपने चरित्र का विकास कर सकते। अब चरित्र निर्माण बौद्ध धर्म में आत्मसंयम, करुणा, दया को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। बौद्धों की दृष्टि से जो इनका पालन करता था वही चरित्रवान होता, वही श्रेष्ठ होता था, वही कल्याणकारी होता था, वही सुखदायी होता था। तो क्यों ना हम आज भी ऐसे गुणों को अपनाएं, अपने आप को ऐसे चरित्रवान पेश करें जिससे छात्र एक उदाहरण के रूप में हमारे गुणों को अपनाएं, हमको एक मॉडल रोडल माने, अध्यापक को एक मॉडल के रूप में जो है वो देखे। तो हमको एक नई चीज आज बच्चों को सीखनी होगी, सिखानी होगी, हमको खुद भी सीखना होगा। तो चरित्र निर्माण आज भी महत्वपूर्ण है, हमको सादा जीवन विनयपूर्वक व्यवहार करने में प्रशिक्षित किया जाता है, बुरे कर्म से दूर रखने की सलाह दी जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए जो है इनसे दूर रहना चाहिए। बौद्ध धर्म की शिक्षा, यू तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली उस समय की सबसे श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली रही है। उस समय बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन पर बहुत अधिक बल दिया जाता था, सर्वाधिक बौद्ध धर्म की शिक्षा पर बल दिया जाता था, पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य अंग था, क्योंकि तो कहीं ना कहीं इसमें समानता की शिक्षा का उस समय बहुत अधिक छात्र को बौद्ध द्वारा खोजे गए चार सत्यों का जो है उनको बताया जाता था, जैसे संसार दुख में है, इन दुखों से छुटकारा संभव है, सांसारिक दुखों से छुटकारा ही निर्वाण है, और निर्वाण की प्राप्ति के लिए जब तक नहीं मानव मात्र के प्रति कल्याण की भावना आवश्यक है। तो इन सब चीजों का जो है ज्ञान था बच्चों को कराया जाता था। इसके बाद क्या होता था, निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, आठ मार्ग जो है बौद्ध शिक्षा में बताए गए हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मान, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता था। ये आठ मार्ग बच्चों को इन सब दुखों से पार करने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी, और जो इन मार्गों को अपनाता था निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि वो एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में पल करके बड़ा होता था। भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या की जाती। अब भिक्षु शिक्षा की अवधि सामान्यतः जैसे 8 वर्ष की उस समय पर होती थी। केवल बौद्ध धर्म दर्शन का ही ज्ञान नहीं कराया जाता, बल्कि उसमें काफ़ी चीज़ों का जो है छात्र को ज्ञान प्राप्त किया जाता। पाठ्यचर्या में बौद्ध साहित्य जैसे त्रिपिटक, सुवंत, विनय और धर्म को रखा गया था, परंतु धर्म के तुलनात्मक अध्ययन हेतु बौद्ध वैदिक धर्म का भी ज्ञान कराया जाता। उनको
वेद जो है, मंत्र का, पूजा पाठ का, इन सारी चीजों की भी जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। और भवन निर्माण एवं मठ एवं विहार की संपत्तियों किस प्रकार से सुरक्षित, किस प्रकार से हम उसके लेखा जोखों को सही प्रकार से एक लंबे समय तक रख सकते हैं, जिससे आने वाले संतान, आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले छात्र उससे लाभान्वित होते थे, तो ये भी पाठ्यक्रम में जो है शामिल था। बौद्ध शिक्षा काल में शिक्षण विधियाँ क्या रही? बौद्ध काल में बोलचाल की भाषा पाली थी, बौद्धों ने इसी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इस काल में मुद्रण कला का तो विकास नहीं हुआ, परंतु पुस्तकालय में सुरक्षित सबको रखा गया था, और प्राचीन ग्रंथों की भाषा जो है पाली भाषा में अनुवाद कर दिए गए थे, और इन सबको पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया। प्राय जो है मौखिक रूप से वहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे व्याख्यान होते थे, आधुनिक समय में आज व्याख्यान होते हैं, अध्यापक ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा जाता था, वो अपने लेक्चर्स देता है, छात्र सुनते हैं, छात्र प्रश्न करते हैं, तर्क करते हैं, उसी प्रकार से उस समय भी प्रश्नोत्तर व्यवस्था होती थी, तर्क वितर्क होते थे, शास्त्रार्थ होता था, सम्मेलन होता था। आधुनिक समय में जैसे हम जाते हैं कि कहीं सेमिनार हुआ तो हम लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं, अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं, उपस्थित जो सभा होती है विद्वान लोग वहाँ से प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्नों के सही उत्तर उनको दिए जाते हैं, ताकि समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं या छात्र हैं उनको उस ज्ञान से लाभान्वित हो सके जो वो वहाँ पर सीखना चाहते हैं। तो प्रायोगिक विषयों के शिक्षण के लिए प्रदर्शन, अनुकरण एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। अब जैसे प्रश्नोत्तर विधि जो है वो सामान्यतः सीखने सिखाने की एक स्वाभाविक प्रकृति थी, बच्चे तरहन से ही यह कहा गया कि ऐसा क्यों हो, ऐसा क्यों हो रहा, प्रश्न पूछते हैं, आज भी पूछते हैं अगर आप चले जाएं तो, भाई सर ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण है, इसके क्या जो है परिणाम निकलेगा, तो अध्यापक उसका प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिज्ञासा को शांत करते हैं, और वही शिक्षक सबसे अच्छा होता है जो छात्र के प्रश्नों का उत्तर देता है, छात्र को शांतवना देता है, उनको सही राह दिखाता है। अनुकरण विधि बौद्ध काल में मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर ही किया जाता था, शिक्षक अक्षरों का उच्चारण करते थे, छात्र उनका अनुकरण करते थे, जैसे कि प्राथमिक स्तर पर हमने भी जो है जो हम टेबल बोलते थे तो एक हम बोलते थे तो अन्य छात्र उसका अनुकरण करते थे, कविता करते थे तो अन्य छात्र कविता का उसको दोहराते, प्राथमिक स्तर पर और LT स्तर तक जो है ये सब शिक्षा जो है वहाँ पर प्रदान की जाती है, और छात्र शिक्षक अक्षर का उच्चारण करते थे, उनका अध्यापक वो छात्र उनका अनुकरण करते थे, इस प्रकार से शिक्षा उस समय प्रदान की जाती है, जो आधुनिक समय में आज के समय में हम देख सकते हैं ये सारी शिक्षा जो है प्राइमरी स्तर पर जो है हमको देखने को मिली। व्याख्यान विधि, छात्र को व्याख्यान का उस समय जो है उच्च काल में उच्च शिक्षा केंद्र में विषय के अधिकारी विद्वान बुलाए जाते थे, उनके बड़े बड़े व्याख्यान होते और छात्र उनसे प्रश्न उत्तर करते, अपने विषयों के वे विद्वान होते थे। आधुनिक समय में भी हम लोग बुलाते हैं, अभी हम सेमिनार वगैरह कराते हैं, अभी हम हमारे विश्वविद्यालय में स्पेशल काउंसलिंग की जाती है, तो इसमें हम लोग जो है छात्रों की काउंसलिंग करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोगों को जो है हम उसमें बड़े विश्वविद्यालय से बुलाते हैं और उनकी जिज्ञासा को शांत कराते, और पर्टिकुलर्स हर क्षेत्र से संबंधित विद्वान को हम आज भी बुलाते हैं, सम्मेलन और शास्त्रार्थ करते हैं, विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाता है, जैसे हमारे विश्वविद्यालय में भी बहुत अधिक जो है ये सेमिनार कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, इससे कहीं ना कहीं हमारे छात्रों को, हमारे शिक्षक साथियों को लाभ होता है और एक नए ज्ञान का उद्भव होता है, और विश्वविद्यालय स्तर पर इस तरीके से हैं सम्मेलन कार्यक्रम निश्चित रूप से जो है आयोजित की जाते रहने चाहिए। प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, ये अनुकरण विधि का एक उच्च रूप था, उस काल में इस विधि का प्रयोग विभिन्न कलाओं, शिल्पों, व्यावसायिक विषयों, चिकित्सा विज्ञान आदि के शिक्षण के लिए किया जाता था, उपाध्याय यथा क्रिया करके दिखाते थे और छात्र उनका अनुकरण करते थे, क्रिया को बार बार अभ्यास करते उसमें दक्षता प्राप्त करते हैं। देशाटन एक और उस समय जो है शिक्षा होती थी कि जब छात्र जो है भिक्षु शिक्षा में प्रवेश किया था तो उसको देशाटन के अवसर
प्राप्त होते थे और वो व्यवहारिक रूप में जानता था कि हमारे देश में, हमारे समाज में, दूसरे देश में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, किस प्रकार की कार्य प्रणाली है। तो ये मौका उसको मिलता है। आज ये मौका किनको मिलता है? हम शिक्षक साथियों को मिलता है। आज हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं शिक्षा से संबंधित, जो जहाँ दूसरे जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ की शिक्षा से अपने छात्रों को लाभान्वित कराते हैं और वहाँ हम प्रचार प्रसार अपनी शिक्षा का वहाँ पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक जो है हमारे समाज में चल रहा है। शिक्षक व शिक्षार्थी के कैसे संबंध रहे हैं उस समय और किस प्रकार के जो है छात्र और शिक्षक वहां पर रहते थे, यदि बहुत काल में प्राथमिक और दोनों प्रकार शिक्षा व्यवस्था बौद्ध मठों एवं बिहार में आयोजित की जाती थी। उस काल में बौद्ध भिक्षु ही शिक्षण कार्य करते थे। जो बौद्ध भिक्षु शिक्षण कार्य करते थे उनको हम उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय बनने के लिए पहली अनिवार्य शर्त यह होती थी कि उस शिक्षक 8 वर्ष तक बौद्ध धर्म की शिक्षा वो प्राप्त कर रहे। दूसरी अनिवार्यता रहती कि वो बौद्ध धर्मावली हो, बौद्ध धर्म को मानने वाला हो, उसका अनुयायी हो, उसकी बुराई न करें और बौद्ध धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं उसको समाज में विकास करें। तीसरी अनिवार्यता है कि आजीवन उसको अविवाहित रहना था। यदि आपको शिक्षक बनना तो आजीवन अविवाहित रहना, क्योंकि वो सांसारिक चीज़ों से हमेशा दूर रहता। चौथी अनिवार्यता थी कि बौद्ध संध्य के नियमों कठोरता से पालन किया जाता, जबकि नियम इतने आसान नहीं थे, कठोरता से उनका पालन करना। तो उस समय अति विद्वान आत्मसंयम चरित्रवान भिक्षु भी उपाध्याय बन सकते थे। आज तो जिसके अंदर योग्यता है गृहस्थ शास्त्र में भी प्रवेश कीजिए, गृहस्थ जीवन को पालिए और शिक्षा भी प्रदान कीजिएगा। आज शिक्षक साथी जो हैं धन की ओर अधिक दौड़ रहे हैं, जबकि हमको ज्ञान की ओर दौड़ना चाहिए। शिक्षक और छात्र में जो है संबंध में घनिष्ठता लानी चाहिए। और ये सब हम कब आ सकते हैं? जब हम छात्र को कुछ दें, तभी छात्र हमारे क्लोज में आ सकता है। तो वो सब व्यवस्था जो है उस समय और थी और आज भी है। आज भी जो अच्छे शिक्षक हैं, जो श्रेष्ठ शिक्षक हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपने आप को अपडेट रखते हैं, नई नई चीज़ों की जानकारी रखते हैं, तो छात्र निश्चित रूप से जो है घिरे होते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र लालयित रहते हैं। उस समय छात्रों के आवास और भोजन की व्यवस्था वहीं बौद्ध मठ में की जाती थी। शिक्षार्थी उस श्रवण उस समय शिक्षार्थियों को श्रवण या श्रामणीय कहा जाता था। उन्हें बौद्ध मठों एवं बिहार में रहना होता था। बौद्ध मठ एवं बिहारों के नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता था। मूल रूप से 10 आदर्शों का पालन करना होता था। ये 10 आदर्श अभी हमने आपको बताए थे, अहिंसा का पालन न करना, निंदा न करना, सत आहार न लेना, सत्य बोलना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, पराई वस्तु ग्रहण न करना, श्रृंगार की वस्तु न करना आदि आदि। ये 8 प्रकार के जो शिक्षा इनका पालन को करना पड़ता है। परीक्षा किस प्रकार की थी? उपाधियाँ कैसे देते? यदि बौद्ध काल में आज की तरह परीक्षा नहीं होती थी, प्राथमिक स्तर तो अधिकारी शिक्षक जो संतुष्ट हो जाते थे उन्हें छात्र को सफल घोषित किया जाता और उत्तीर्ण छात्रों को किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। लेकिन उच्च स्तर पर भिक्षुओं का एक पैनल छात्रों के मुख्य परीक्षा लेता था और सफलता प्राप्त करने पर अध्यापकों की सही उत्तर देने पर उसको उपाधि दी जाती थी। जैसे कि आज के समय में भी छात्रों को डिग्रियाँ दी जाती हैं, उसके बाद उनको उपाधि दी जाती हैं जिसमें ये स्पष्ट लिखा होता है कि उसने कितने मार्क्स क्लियर किए, उसका एवरेज क्या है। और जब वो कहीं इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार के लिए जाता है तो उसका कहीं ना कहीं महत्व देखने को। बात करेंगे स्त्री शिक्षा के संबंध में। यद्यपि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा धीरे धीरे जो है समाप्त हो चुकी थी, शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए थे, लेकिन बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था आरंभ हो गई थी। श्रीमन्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था उस समय पर थी, लेकिन धीरे धीरे महिला शिक्षा को भी उसमें वर्णन हमको देखने को मिलता है। बौद्ध काल के प्रारंभ में तो बौद्ध मठ में धर्म स्त्री को प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध ने अपनी विमाता महा प्रजामति और अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान की। और उस काल में स्त्रियों को भी जो है पुरुषों के समान संध्या के कठोर नियमों का पालन करना पड़ता। यदि कोई छात्र या छात्राएं
उन नियमों का पालन नहीं करती तो उसको उससे बाहर करते रहता है। शहरी शिक्षा मतलब में हमें स्त्री ग्रहण के लिए अलग व्यवस्था थी, जैसे आज भी छात्रावास होते हैं, छात्राओं के लिए अलग होते हैं, छात्रों के लिए अलग होते हैं, उनका अलग मैच होता है, उनका रहने की व्यवस्था अलग होती है। और लेकिन शिक्षा जो है संयुक्त रूप से उस समय की जाती थी। और स्त्री शिक्षा की व्यवस्था जो है मठों में जो है धीरे धीरे आरंभ हो गई। यद्यपि इनमें बालिकाएं बहुत कम प्रवेश लेती थी, आज भी जैसे मुस्लिम शिक्षा की अगर हम बात करें या मुस्लिम वर्ग की बात करें तो वो अपने बच्चों को उस शिक्षा नहीं प्रदान कर रहे, प्राथमिक स्तर से हाईस्कूल स्तर तक, उसके बाद वो शिक्षा बंद कर देते हैं और वो अपने बच्चों को जो है बाहर नहीं भेजते हैं। कुछ विद्वान इस युग की कुछ विदेशी महिलाओं शील भट्टिका, विजयांका, प्रभुदेवी, रानी नयंका, रानी प्रभावती, गुप्त राजनीति के विद्वान जो हैं महिला रही हैं। सम्राट अशोक की बहन का हम उदाहरण दे सकते हैं, संघमित्रा रही है, धर्मविशेषज्ञ रही है, सम्राट हर्षवर्धन की बहन शास्त्रा में निपुण रही है। तो इस प्रकार की शिक्षा जो है वहाँ पर महिला को प्रदान की गई, लेकिन धीरे धीरे अंतिम समय बाद में जो है शिक्षा पिछड़ गई और शिक्षा मतलब स्त्री शिक्षा पर विशेष बल जो है नहीं दिया गया, यद्यपि शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए। बौद्ध काल में मुख्य बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन से रहे हैं इस पर अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो बौद्ध काल में प्राय बौद्ध मठों में बिहार में शिक्षा की व्यवस्था की गई की जाती थी और वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा और शिक्षा दोनों शिक्षा में शिक्षा जो है प्रदान की थी। तक्षशिला अपने नाम सुना है, तक्षशिला, नालंदा, मल्लवी, विक्रमाशिला उस समय के विश्वख्यात विश्वविद्यालय थे। आधुनिक समय में हम कह सकते हैं कि भाई जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस का नाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद का नाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है जो प्रत्येक छात्र को जो है शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और उनके द्वार तक पहुंचकर जो है शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार आधुनिक समय भी तेजी से हो रहा है। तो उस समय कुछ विश्वविद्यालय थे जो बहुत श्रेष्ठ थे और इस प्रकार जो है हम बौद्ध काल की शिक्षा व्यवस्था जो है एक श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था हम कह सकते हैं। काफी शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है उस काल में हुआ। धन्यवाद।